आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गौतम गंभीर के बाद बीजेपी के जयंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति को कहा अलविदा, देश दुनिया में अब इस मुद्दे पर करेंगे फोकस। अब आप ही के साथ रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, जब स्टेज से सीएम नीतीश ने किया वादा। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार, क्या विक्रमादित्य सिंह बनाएंगे नई पार्टी। नितिन गडकरी के वीडियो पर संग्राम, जानिए केंद्रीय मंत्री के लीगल नोटिस पर क्या बोले जयराम रमेश। आगरा में 12वीं के पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार, 4 पर एफआईआर, मुख्य आरोपी अब भी फरार। 86 मिनट की चुनौती, 100 मीटर बाद सीसीटीवी से गायब संदिग्ध, अब स्विच ऑफ नंबरों के जागने का इंतजार। गाजा में हवाई जहाज से भोजन और राहत सामग्री भेजेगी अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की घोषणा। रिहाना संग झूमा बॉलीवुड, अंबानी की स्पीच ने किया इमोशनल। हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने चुनावी दायित्वों से मुक्ति की मांग की है। शनिवार को ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। बता दें कि इससे पहले सांसद गौतम गंभीर ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट करके जेपी नड्डा से खुद को चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की थी। उनके आग्रह के कुछ घंटे के बाद अब जयंत सिन्हा ने भी ट्वीट करके ऐसी ही मांग की है। जयंत सिन्हा ने एक्स पर की गई अपनी पोस्ट पर लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन निपटने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के औरंगाबाद में हैं, उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री ठहाके लगाकर हंसने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि आप पहले भी यहां आए, लेकिन हम गायब हो गए थे, अब इधर उधर होने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने जब पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सारा काम जो चल रहा है वो ये तेजी से करवाएंगे, पीएम मोदी हंसने लगे। सीएम नीतीश ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप जो आए हैं यहाँ, इसका हम लोगों को बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद आए सियासी संकट को टालने के लिए समन्वय समिति का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की, लेकिन सुक्खू सरकार पर से खतरा अभी टला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह का खेमा सीएम सुक्खू को बदलने को लेकर आर पार के मूड में है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों से मिलकर दिल्ली पहुंचे। विक्रमादित्य सिंह के अगले कदम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी में शामिल होने को लेकर विक्रमादित्य सिंह की दुविधा यह है कि इससे वीरभद्र सिंह की सियासी विरासत एक तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में दूसरा विकल्प यह है कि विक्रमादित्य वीरभद्र कांग्रेस जैसी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे एवं पार्टी महासचिव जयराम रमेश के बीच एक वीडियो को लेकर विवाद हो गया है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं को एक लीगल नोटिस यानी कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस गडकरी के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसे कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया गया था। गडकरी ने कहा कि वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ है। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अब इस कानूनी नोटिस को लेकर जवाब दिया है। पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजस्थान के धौलपुर पहुंचे जयराम रमेश से जब नितिन गडकरी के जरिए भेजे गए कानूनी नोटिस को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, हमें नोटिस आया है, हम इसका जवाब देने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में इंटरमीडिएट गणित और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों पर FIR दर्ज कराई गई है। मुख्य आरोपी कॉलेज मैनेजर का बेटा फरार है। उस पर दोनों पेपर WhatsApp ग्रुप में डालने का आरोप है। वह कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करता है। पुलिस ने गुरुवार देर रात नामजद आरोपी कॉलेज मैनेजर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कई अन्य से भी पूछताछ की गई है। उधर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर लीक करने वाले स्कूल की मान्यता खत्म कर दी है। पुलिस ने बताया कि पेपर शुरू होते ही मुख्य आरोपी विनय चौधरी ने प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, लेकिन कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया था। कर्नाटक के रामेश्वर कैफे में शुक्रवार को हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां गहन जांच में जुटी हुई है। जांच के लिए हर घटना के एक एक सिरे को पकड़ती चल रही पुलिस के सामने अब 86 मिनट की टाइमिंग की एक गुत्थी आ गई है। असल में कैफे के अंदर आरोपी का आना, अपने लिए फूड ऑर्डर करना, सीट पर बैठना और फिर विस्फोट होना, ये सब कुछ इसी 86 मिनट के भीतर हुआ है। पुलिस इस टाइमलाइन के इर्द गिर्द भी अपनी जांच का विस्तार कर चुकी है। इसके लिए पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज भी चेक कर रही है, जहां से ये पता चल सके कि कैफे छोड़ने के बाद आरोपी कहां और किस ओर गया होगा। रूस ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को डराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने यार्स अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल परीक्षण करने की वजह मिसाइल की ताकत को परखना था। यह परीक्षण पुतिन द्वारा नाटो देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी देने के 2 दिन बाद किया गया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिकी सेना गाजा में हवाई जहाज से भोजन और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करेगी। बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए एयर ड्रॉप सुविधा शुरू करने की घोषणा की। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी एयर ड्रॉप आने वाले दिनों में होगी, लेकिन उन्होंने कोई विशेष जानकारी नहीं दी। बता दें कि जॉर्डन और फ्रांस समेत अन्य देश पहले ही गाजा में हवाई सहायता पहुंचा चुके हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन गुजरात के जामनगर में जोर शोर से चल रहा है। अनंत अंबानी इस साल राधिका मर्चेंट संघ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इससे पहले अंबानी परिवार ने जामनगर में 3 दिन के जश्न का आयोजन किया है। जश्न का पहला दिन 1 मार्च को था। दिन भर सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड से लेकर स्पोर्ट्स, बिजनेस और इंटरनेशनल सेलेब्स का तांता लगा हुआ था। 1 मार्च की शाम पॉप सिंगर रिहाना ने जामनगर में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। इस परफॉर्मेंस के फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वीडियो में रिहाना को गाना गाते हुए जबरदस्त डांस करते देखा जा सकता है। हर तरफ बस रिहाना और उनके डांस के ही चर्चे हो रहे हैं।